हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जियोलॉजी का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ द 11th वन। इन अ डिप स्लिप फॉल्ट, इफ हैंगिंग वॉल ब्लॉक मूव्स अप रिलेटिव टू द फुटबॉल ब्लॉक, देन फॉल्ट इज क्लासिफाइड एज। तो जैसे कि कोई भी अगर फॉल्टेड सर्फेस है लाइक दिस, ओके, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक फॉल्ट प्लेन है, तो ये हो गया हमारा हैंगिंग वॉल एंड ये हो गया हमारा फुटबॉल। तो जैसा कि 11th क्वेश्चन में दिखाया गया है कि हैंगिंग वॉल जो है वो ऊपर की ओर मूव करता है, दैट मीन्स इफ अगर ये वाला वॉल, हैंगिंग वॉल, ऊपर की ओर मूव करता है तो इसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, क्योंकि इसमें क्रस्टल थिकनिंग होती है, क्रस्ट जो है वो थिक ज़्यादा हो जाती है और वह सॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। सो इट इज़ नोन एज द रिवर्स फॉल्ट। वहीं पर जो 12th क्वेश्चन है उसमें इसका जस्ट अपोजिट है। इफ हैंगिंग वॉल ब्लॉक मूव्स डाउन रिलेटिव टू द फुटबॉल, अगर हैंगिंग वॉल नीचे की ओर मूव करता है तो उसमें क्रस्ट जो है वो लेंथनिंग होती है, क्रस्ट की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है एंड उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। सो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। सो फॉर द 11th क्वेश्चन इट इज़ रिवर्स फॉल्ट एंड फॉर द 12th क्वेश्चन इट इज़ द नॉर्मल फॉल्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13th इज, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन व्हाट ब्लॉक इज द विलो लोकेटेड ऑन एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉल्ट इट इज इलस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये जो ट्री है इसका नाम इन्होंने कुछ विलो करके दिया हुआ है, ये ट्री कौन से ब्लॉक पर है, हैंगिंग वॉल पर है या फिर फुट वॉल पर है एंड ये जो फॉल्ट दिखाया गया है ये किस टाइप का फॉल्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज़ द फॉल्ट प्लेन, ओके, एंड फॉल्ट प्लेन के ऊपर का जो भी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हैंगिंग वॉल एंड जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फुट वॉल। तो ये जो पेड़ लोकेटेड है इट इज़ लोकेटेड ऑन द हैंगिंग वॉल। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन व्हाट ब्लॉक इज़ द विलो लोकेटेड ऑन, सो ये ब्लॉक हो जाएगा हैंगिंग वॉल ब्लॉक एंड जो कि नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ फॉल्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैंगिंग वॉल ऊपर की ओर जा रहा है एंड फुट वॉल नीचे की ओर आ रहा है एंड दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर्स फॉल्ट, जहाँ पर आपकी क्रिस्टल थिकनिंग होती है और क्रिस्टल शॉर्टनिंग भी होती है। सो इट इज़ द रिवर्स फॉल्ट। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन द फॉलोइंग अ रोड इज कट बाय अ वर्टिकल डिपिंग फॉल्ट। तो यहाँ पर हम एक रोड बना देते हैं, एक फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ब्लॉक, ओके, क्योंकि हमको अंडरस्टैंड करने में, समझने में एक ब्लॉक के थ्रू काफ़ी आसानी रह जाती है एंड दिस इज आवर फॉल्ट प्लेन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोड इज कट बाय अ वर्टिकल डिपिंग फॉल्ट, ये वर्टिकल जो भी फॉल्ट है ये एक रोड को कट करता है एंड एज यू वॉक अलोंग द रोड टुवार्ड्स द फॉल्ट। मान लीजिए ये रोड है, आप इस रोड के अलोंग फॉल्ट की ओर मूव कर रहे हैं, ओके, यानी कुछ इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं। देन फिर ये क्या कहता है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ फॉल्ट एंड रोड, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर यू हैव टू टर्न टू योर राइट, यहाँ पर आपको राइट टर्न लेना पड़ता है। अब अगर आपको डायरेक्शन सिस्टम पता होगा तो यदि आप इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड साइड इधर की ओर होगा, दैट मीन्स वी आर मूविंग ऑन दिस डायरेक्शन, ओके। तो अब हमने इस डायरेक्शन को मूव कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एंड वॉक सम डिस्टेंस अलोंग द फॉल्ट, अब हम फॉल्ट के अलोंग सम कुछ डिस्टेंस को कवर करते हैं, अनटिल यू एनकाउंटर द कंटिन्यूएशन ऑफ द रोड व्हाट विल बी योर फॉल्ट। तो जैसे ही हम इसको कवर करते हैं राइट हैंड साइड तो हमें इस ये जो रोड है इसका कंटिन्यूएशन मिल जाता है, दैट मीन्स हम पहले रोड पर इस तरीके से गए फिर हम राइट टर्न लिए तो हमको ये रोड पुनः मिल गया जो कि फॉल्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया गया था। अब ये पूछ रहा है ये किस तरीके का फॉल्ट है, तो अगर ये कंडीशन है तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉल्ट प्लेन था एंड जो ब्लॉक्स का मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला ब्लॉक इधर को एंड ये वाला ब्लॉक इधर को। सो ये जो है एक ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन बना रहा है एंड यदि कोई स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्लॉकवाइज रोटेशन बनाता है तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रल टाइप।
सो दिस इज़ द डेक्स्ट्रल टाइप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। सो यहाँ पर जो 14th क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डेक्स्ट्रल टाइप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नाउ द जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, वो इसका जस्ट अपोजिट है। इस क्वेश्चन के लिए आप खुद डायग्राम बनाइए एंड मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ये हमारा फॉल्ट प्लेन एंड आपको रोड पे इस तरीके से मूव करना है। देन इसमें आप लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे और फिर इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके तो जैसे ही आप इस तरीके से कंटिन्यू होंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। सॉरी, इसको मैंने थोड़ा उल्टा अपोजिट कर दिया है, जस्ट इरेज इट। ओके तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन थी कि ये हमारा फॉल्ट प्लेन था। इसमें जब हम रोड के अलोंग चलते हैं तो हमको लेफ्ट में जाना पड़ता है इस डायरेक्शन में, देन हमको फिर रोड का कंटिन्यूएशन मिलता है। जिस तरीके से इसका फिर जो रोटेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट इज़ द सिनिस्ट्रल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। आप क्वेश्चन को पढ़िए देन इसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ 16th क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम व्हाट काइंड ऑफ फॉल्ट इज इलस्ट्रेटेड। अब सिंपली आपको क्या करना है, वही टेक्निक कि ये ब्लॉक इस तरीके से मूव कर रहा है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड देन इट इज फॉर्मिंग अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स सिनिस्ट्रल टाइप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो इसका आंसर सिनिस्ट्रल टाइप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। एंड इन द 17th क्वेश्चन जस्ट अपोजिट, इसमें भी वही पूछ रहा है एंड इसमें जो ब्लॉक मूव कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से। अगर हम इनको ज्वाइंट कर देते हैं तो इट इज़ अ क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स डेक्स्ट्रल टाइप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ नेक्स्ट अनदर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो थैंक यू।